हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने किचन के लिए कुछ चीज़ें बाय की थी जो कि बहुत ही लो कॉस्ट में मुझे मिली है, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये कुछ बोल्स हैं जो ब्लैक कलर में हैं, और प्लेट्स, चूँकि जो वीडियो के एंड में प्लेटिंग करते हैं उसके लिए मेरे पास अच्छी प्लेट्स वगैरह नहीं थी। सेम प्लेट में ही मैं उसे डिश आउट कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी प्लेट्स अलग अलग डिज़ाइन की मैं बाय कर लूँ। और चूँकि मुझे बहुत ही लो कॉस्ट में मिली है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा ले ली। कोई 30 रुपीज़ है, कोई 40 रुपीज़ है, अलग अलग डिज़ाइन की है ये, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन है। तो आगे मैं इसमें अपनी रेसिपी की डिश आउट करूँगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। एक दो प्लेट में हल्का सा डिफेक्ट है, बट इट्स ओके। और ये दो डब्बे हैं जिसमें मैं अपनी रेसिपी के जो एक्स्ट्रा सामान होता है तो वो रखने के लिए मैंने मंगाया है। एक में बच्चों के लिए चॉकलेट्स बिस्किट वगैरह रखने के लिए लिया है, और ये है जूसर, ये नहीं था अभी तक मेरे पास, और ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि कोई भी सॉफ्ट जो फ्रूट होता है ना, तो इसके जूस बहुत ही इजीली निकल जाता है। जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये इस तरह से देखिए, एक ग्लास भी मिला है, और बहुत ही हेवी मटेरियल है, बिल्कुल भी लो क्वालिटी नहीं है। सो ये मैंने लिया है मेज़रमेंट कप, ये भी मेरे पास नहीं था अभी तक के, और रेसिपी के लिए या फिर केक बनाने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये। चार मैंने स्टील के ग्लास लिए हैं, इस टाइप का ग्लास मेरे पास नहीं है, तो दूसरा है लेकिन इस टाइप का नहीं था, इस डिज़ाइन का, तो ये मैंने बाय किया है, और ये भी मुझे बहुत ही लो कॉस्ट में मिला है। इसमें भी कुछ रेसिपी मैं आगे शूट करूँगी आपके साथ। और खलबट्टा है ये, मूसल क्या कहते हैं आप इसे, आई डोंट नो, बट हम इसे खलबट्टा ही कहते हैं। ये छोटा बोल है, बड़ा बोल है मेरे पास, छोटा नहीं था इसलिए मैंने इसे बाय किया है। ऑयल बॉटल, इसमें मैं सिर्फ रेसिपी शूट करने के लिए ही ऑयल रखूँगी, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे, इसमें मैंने ऑयल इनफैक्ट रख ही दिया है। और ये है चॉपिंग बोर्ड, फाइबर प्लास्टिक का, बहुत ही अच्छा है ये आई थिंक 100 रुपीज़ में मिला था मुझे, और ये 40 रुपीज़ का है। मसाले का जो डब्बा है, आप चाहे इसमें पाउडर रखें, मतलब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, या फिर गरम मसाला भी रख सकते हो। अलग अलग डब्बे में अलग अलग खाने बने हुए हैं, इसमें एक स्पून भी दिया हुआ है, और ये स्टैंड वगैरह भी नहीं था इस तरह का मेरे पास, तो ये भी मैंने बाय किया है। ये मैंने सॉस पैन भी बाय किया है, सॉस पैन मिला है मुझे 50 या 60 रुपीज़ का है आई थिंक। और ये है बेसिन साफ़ करने के लिए, मैंने दोनों चीज़ें ली हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सारी चीज़ें मैंने अपने किचन के लिए ली है, और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।